कुलुसियों अध्याय एक। पौलुस, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से कुलुसे में रहने वाले मसीह में पवित्र और विश्वसनीय लोगों को हमारे स्वर्गिक पिता परमेश्वर से असीम कृपा तथा शांति मिले। हम प्रभु यीशु मसीह और उनके पिता को धन्यवाद देते हैं और तुम्हारे लिए विनती करने में लगे हुए हैं। हमने तुम्हारे उस प्रेम के विषय जो सब पवित्र लोगों के लिए है और उस विश्वास के बारे में जो मसीह यीशु में है सुना है। यह उस आशा के कारण है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। तुमने इस आशा के विषय में सुसमाचार के सत्य वचन द्वारा पहले ही से सुना था। जो वचन पहले तुम्हें दिया गया है, जिसे अन्य लोगों को भी दिया गया, दुनिया में असर दिखा रहा है। जब से तुमने इस सुसमाचार को सुना और सच में परमेश्वर की असीम दया को जाना है, यह तुम में भी बढ़ता जा रहा है। इस आशा के बारे में तुमने इपफ्रास से सुना था, जो हमारा सहकर्मी और विश्वास रखने लायक सेवक है। उसने पवित्र आत्मा में तुम्हारे प्रेम के विषय हमें बताया है। इसी कारणवश हमने भी जिस दिन से यह सुना है, तुम्हारे लिए लालसा करने और प्रार्थना में नहीं चूकते, ताकि तुम यीशु की इच्छा की पहचान जो पूर्ण ज्ञान और आत्मिक समझ के साथ है भरपूर होते जाओ। तुम्हारा चालचलन यीशु को पसंद आने वाला हो, हर अच्छे काम में फलदायक हो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हुए उन्हें हर बात में खुश करो। परमेश्वर की तेजोमय शक्ति से मजबूती पाकर आनंद के साथ पूरी सहनशीलता और धीरज से स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते रहो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि पवित्र लोगों के साथ रोशनी में मीरास में हिस्सेदार हो सकें। परमेश्वर ही हमें अंधकार के शिकंजे से छुड़ाकर अपने प्यारे बेटे के राज्य में लाए हैं, जिनमें हमें यीशु के खून के द्वारा आज़ादी या अपराधों की क्षमा मिली है। वह अदृश्य यहवे के प्रतिरूप और सारी सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हीं के द्वारा सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग का है या पृथ्वी का, दिखने वाला या न दिखने वाला, चाहे सिंहासन या राज्य या प्रधानताएं या शक्ति, सब कुछ उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए बना है। वह सृष्टि से पहले थे और उन्हीं के द्वारा सब कुछ संभाला जाता है। वह देह अर्थात चर्च के सिर हैं, वही शुरुआत और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठे हैं, ताकि हर बात में सर्वश्रेष्ठ हों। इसलिए स्वर्गिक पिता को यह पसंद आया कि सारी भरपूरी यीशु में निवास करे, और चाहे पृथ्वी की चाहे स्वर्ग की, उन्होंने सब का मेल यीशु के क्रूस पर बहे खून के द्वारा स्वयं से करा लिया। तुम भी एक समय अपने बुरे कार्यों द्वारा मन में बिछड़े हुए और दुश्मन थे, लेकिन यीशु ने अपने मांस लहू की देह में तुम्हें किसी भी बदनामी से बढ़कर अपनी निगाह में पवित्र और निर्दोष प्रस्तुत करने के लिए अब तुमसे मेल कर लिया है। यदि तुम विश्वास में स्थिर होते, जड़ पकड़ते और जो सुसंदेश तुमने सुना है उसकी आशा रखते हो, जिसे इस आकाश के नीचे प्रत्येक प्राणी को दिया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक भी बना, अब मैं उन दुखों के कारण आनंदित हूं जो तुम्हारे लिए मुझे होते हैं, और मसीह के दुखों की कमी उनकी देह अर्थात चर्च के लिए अपनी देह में पूरी कर देता हूं। तुम गैर यहूदियों को अपना संदेश पूरी भरपूरी के साथ देने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चर्च की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। ऐसा उस रहस्य के कारण है जो युगों से छिपा था, लेकिन अब उनके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने बताना चाहा कि गैर यहूदियों में कीमती महिमामय रहस्य क्या है। वह रहस्य यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है हम में रहते हैं, क्योंकि यह एक भेद है, यीशु तुम में है और तुम्हारा यह भरोसा भी है कि तुम उनकी महिमा के हिस्सेदार बनोगे। इसलिए हम उपदेश और चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान सहित हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह यीशु में सिद्ध उपस्थित करें। इसी लक्ष्य के कारण उनकी सामर्थ्य के अनुसार जो मुझमें शक्तिशाली रीति से काम कर रही है, तन मन लगाकर मेहनत करता हूं। कुलुसियों अध्याय दो।
जिन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा है और जो लौदीकिया में हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मुझे कितना अधिक संघर्ष करना पड़ता है। तुम प्रेम में आपस में गटकर अपने मन में प्रोत्साहित हो, ताकि समझ के पूरे आश्वासन की दौलत और परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के रहस्य के पूरे ज्ञान में प्रवेश कर सको। यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान का सारा खजाना छुपा हुआ है। मैं ये इसलिए कहता हूं ताकि भरमा देने वाले शब्दों से तुम्हें कोई धोखा ना दे सके। हालांकि मैं देह में तुम्हारे साथ नहीं हूं, फिर भी मैं आत्मा में तुम्हारे साथ हूं। मैं मसीह में तुम्हारे मजबूत विश्वास की स्थिरता और अनुशासन को देखकर खुश हूं। इसलिए जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मानकर स्वीकार कर लिया है, उसी तरह आगे बढ़ते जाओ। जैसा तुम्हें सिखाया गया है, विश्वास में मजबूती पकड़ते, जड़ पकड़कर मजबूत होते हुए धन्यवाद में उमड़ते चलो। सावधान रहना, ताकि तुम्हें कोई दर्शन शास्त्र और खोखले धोखे से, जो मनुष्य की परंपरा और संसार के शुरुआती ज्ञान पर आधारित है परंतु मसीह पर नहीं, बर्बाद न कर दे। मसीह में परमेश्वर की सारी भरपूरी दैहिक रीति से वास करती है, जो सारी प्रभु सत्ता और अधिकार के प्रधान हैं, उनमें तुम पूरे किए गए हो। उन्हीं में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता है। यह मसीह द्वारा किया गया आत्मा का खतना है, जिसमें अपराधों का शरीर हटा दिया जाता है। और तुम बपतिस्मे में मसीह के साथ गाड़े गए, उन्हीं में परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा विश्वास से जुलाए भी गए, जिन्होंने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है। तुम अपने अपराधों और अपनी देह की कमियों में मरे हुए थे। उन सारे अपराधों को क्षमा करते हुए परमेश्वर ने यीशु के साथ तुम्हें भी जिलाया। वह लेख जिसमें हमारे विरोध में आरोप साबित हो चुके थे, उन सब को यीशु ने क्रूस पर ठोक कर दूर कर दिया और पूरी तरह से मिटा दिया। यीशु ने प्रधानताओं और शक्तियों को लूटकर क्रूस द्वारा उन पर जीत हासिल करके उन सभी का सरेआम तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जयजयकार सुनाई। इसलिए खाने पीने, त्यौहार मनाने या नए चांद को मानने या शब्द के संबंध में तुम्हारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति फैसला न करे। ये सभी आने वाली बातों की एक छाया है। सबसे अधिक महत्व की बात यीशु हैं। स्वयं की दीनता, स्वर्गदूतों की उपासना, देखी हुई बातों और अपने शारीरिक मन के द्वारा बेकार में घमंड से भरने के द्वारा तुम्हें कोई तुम्हारे इनाम से अलग न रखे। ऐसा व्यक्ति उस सिर अर्थात यीशु को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और तंतुओं के द्वारा पाली पोसी जाकर एक होकर परमेश्वर से उन्नति पाती जाती है। क्योंकि यदि शुरुआती बातों के लिए तुम मसीह के साथ मर गए, तो सांसारिक लोगों की आज्ञा और सीख के मुताबिक उन नियमों के गुलाम क्यों बनते हो? जैसे कि ये मत छुओ, वो मत चखो, इन बातों पर अमल मत करो। ये सभी बातें जो मनुष्यों की आज्ञाओं और सिद्धांतों के अनुसार हैं, उपयोग के साथ नाश हो जाने वाली हैं। इन बातों में ज्ञान के दिखावे के साथ अपने चुने हुए भक्ति के तरीके, झूठी दीनता और देह को कष्ट देना है। ये बातें शरीर की लालसाओं को नहीं रोक पाती। कुलुसियों अध्याय 3। इसलिए कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गिक वस्तुओं को चाहो, जहां परमेश्वर के अधिकार के साथ मसीह हैं। दुनिया की नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम पिछले जीवन के लिए मर चुके हो और मसीह द्वारा परमेश्वर में तुम्हारा आत्मिक जीवन छिपा हुआ है। जब यीशु, जो हमारा जीवन है, दिखाई देंगे, तब तुम भी उनके साथ बड़े तेज में प्रकट होंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर जो तुम्हारी शारीरिक लालसाएं हैं, जैसे यौन कामुकता, अशुद्धता, बुरी लालसा और लालच, इन सब को मार डालो। इन्हीं कारणों से स्वर्गिक पिता का क्रोध उनकी आज्ञा न मानने वालों पर आता है। एक समय था जब तुम इन सब में जी रहे थे और अपना सारा समय इन्हीं में गंवा रहे थे, किंतु अब तुम्हें ये सभी बातें अर्थात क्रोध, रोष, कड़वाहट, निंदा, मुंह से निकलने वाली गंदी बातें दूर कर देनी चाहिए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपना पुराना जीवन
उसके कामों सहित दूर कर दिया है। तुमने अब नया जीवन शुरू किया है जो परमेश्वर की समानता के ज्ञान में नया होता जाता है। जहां यूनानी व यहूदी, खतना सहित व खतना रहित, बारबेरियन व स्कूती, गुलाम व आजाद में कोई अंतर नहीं है, मसीह सब बातों में सबसे बढ़कर हैं और वह हम सब में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की तरह पवित्र और बहुत प्रिय लोगों, अपने आप को कोमल करुणा, मन की दीनता, नम्रता और धीरज से ढांक लो। यदि किसी से झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे की सह लो और माफ करो। जिस तरह से मसीह ने तुम्हें माफ किया, तुम्हें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए। इन सभी बातों से अधिक अपने आप को प्रेम से ढांक लो, जो सिद्धता का कमरबंद है। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम्हें इस देह में निमंत्रण दिया गया है, तुम्हारे मन में शासन करे। उन्हें सदा धन्यवाद देते रहो। मसीह का वचन सारी बुद्धिमानी के साथ और बहुतायत से तुम में बना रहे। यीशु के लिए अपने मन में गाते हुए भजन और आत्मिक गीतों द्वारा एक दूसरे को सिखाते और समझाते रहो। बोलचाल और जो काम किया जाए, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हो और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करो। पत्नियों, अपने पतियों की बात मानो, क्योंकि यह यीशु को पसंद है। पतियों, अपनी पत्नियों से प्यार करो और उनके साथ कठोरता का व्यवहार मत करो। बच्चों, सभी बातों में अपने माता पिता का कहना मानो, क्योंकि इससे यीशु को आनंद मिलता है। बच्चे वालों, अपने बच्चों को चिढ़ मत दिलाओ, कहीं वे अपनी हिम्मत न खो दें। सेवको, सांसारिक रीति से जो तुम्हारे मालिक हैं, हर बात में उनके आदेश का पालन करो। दिखाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन मन की ईमानदारी से स्वर्गिक पिता का भय रखते हुए जो भी तुम करते हो, यह समझकर, मन लगाकर, यह जानकर करो कि लोगों के लिए नहीं परंतु यीशु के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह की सेवा करते हो। ये जान लो कि तुम्हें मीरास का इनाम यीशु से ही मिलेगा। किंतु जो व्यक्ति गलत करेगा, अपनी गलती के परिणाम को भुगतेगा। परमेश्वर लोगों के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। कुलुसियों अध्याय 4। मालिकों, ये जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारे एक स्वामी हैं, अपने सेवकों को सही मजदूरी दो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में पूरे मन से लगे रहो। हमारे लिए यह विनती करना कि मसीह के भेद और वचन के लिए परमेश्वर एक द्वार खोलें, इसी वचन की सेवा के कारण मैं कैदी हूं, ताकि जैसा वचन मुझे देना चाहिए मैं साफ तरीके से दे सकूं। समय का सही इस्तेमाल करते हुए बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। तुम्हारा बोलना सदैव मीठा हो, उसमें दया भरी हो, ताकि तुम ये जान सको कि लोगों को कैसे जवाब दिया जाए। मेरे विषय में तुखिकुस तुम्हें समाचार देगा, मसीह में वह सज्जन भाई और मेरे साथ काम करने वाला विश्वास योग्य सेवक है। मैंने इसी उद्देश्य से उसे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम हमारा हाल चाल जान सको और वह तुम्हारी हिम्मत बढ़ा सके। उनेसिमुस विश्वसनीय और भला व्यक्ति है, उसे भी साथ में भेजा गया है और वह तुम्ही में से है। ये लोग ही यहां पर होने वाली सभी बातों को बतलाएंगे। अरिस्तर्खुस मेरा संगी कैदी और मरकुस जो बरनाबास का भाई है, नमस्कार कहते हैं। मैंने बताया था कि यदि मरकुस तुम्हारे पास आता है उसका स्वागत करो। यीशु जो यूस्तुस भी कहलाता है तुम्हें सलाम कहता है। ये तीनों यहूदी मत से आए हैं जिन्होंने स्वर्गिक पिता के राज्य के लिए ईमानदारी से मेहनत की है। वे ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे तसल्ली मिलती है। इपफ्रास भी जो तुम में से एक और मसीह का सेवक है सलाम कहता है। वह सदा बड़ी लगन से प्रार्थना में मेहनत करता है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा में पूरी तरह स्थिर बने रहो। मैं इस बात का गवाह हूं कि लौदिकिया और हियरापोलिस के लोगों के लिए उसके पास बड़ी धुन है। प्रिय वैद्य लूका और देमास तुम्हें नमस्कार कहते हैं। उन भाइयों को नमस्कार कहना जो लौदिकिया में हैं और निम्फस के घर में मिलने वाली मंडली को भी। जब यह चिट्ठी तुम्हारे यहां पढ़ी जाए तो यह भी ध्यान रखना कि लौदिकिया के चर्च में भी यह पढ़ी जाए, और इसी तरह तुम लोग लौदिकिया को लिखे गए पत्र को पढ़ना। अर्खिपुस से कहना
कि वह यीशु से मिली हुई सेवा को पूरा करे। यह अभिवादन मैं पौलुस स्वयं अपने हाथों से लिख रहा हूं। मेरी जंजीरों को याद रखो, तुम पर दया बनी रहे, ऐसा ही हो।